तो दोस्तों नमस्कार, आप देखो GSMOreon, मैं आकाश लेके आया नई वीडियो नोकिया 7 के स्पीड टेस्ट की, जो कि होगा GeekBench और अंतुतु की एप्लीकेशन में। ये दोनों एप्लीकेशन CPU और GPU की ऑप्टिमाइजेशन और स्पीड को टेस्ट करती हैं, क्या आउटपुट होती है उस स्पेसिफिक जो आपका CPU और GPU लगा है उसको टेस्ट करने के लिए। तो चलिए पहले हम वो देखते हैं वीडियो और बात करते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो हाँ जी दोस्तों, ये रहा आपका नोकिया 7। अब हम इसकी CPU GPU की जांच करेंगे। जो पहली एप्लीकेशन हम इनमें यूज़ करेंगे वो है अंतुतु की, और ये रही एप्लीकेशन, मैंने इसे ओपन कर लिया। तो आपको पता है मोस्ट ऑफ जो रिव्यूअर हैं या फिर टेक बंदे हैं, दो एप्लीकेशन को काफ़ी यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए CPU GPU की रैंकिंग या फिर परफॉर्मेंस, वो है अंतुतु और GeekBench। पहले हम अभी अंतुतु के ऊपर करेंगे और उसके बाद हम करेंगे GeekBench के ऊपर। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मॉडल नेम TA1041, उसके बाद में नॉगड अपना इंस्टॉल्ड है, 8 कोर का प्रोसेसर, और सारी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी हम सीधा टेस्ट की तरफ चलते हैं पहले, और बाकी बाद में बात करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा ताकि टाइम अपना बच सके वीडियो आगे बनाने के लिए। तो हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिज़ल्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पर लाइट को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप भी देख पाएँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया हुआ है 67,469, यानी कि इंग्लिश में 67,459, तो काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और देखेंगे। इससे पहले आप देख लो 3D में रिज़ल्ट जो आया है, यूज़र एक्सपीरियंस में, CPU में और RAM में। ठीक है, अभी हम बैक चलते हैं और उसके बाद आगे GeekBench 4 के ऊपर टेस्ट करते हैं और कंपेयर करेंगे इसको दूसरी डिवाइस से, और वो मैं आपके साथ बाद में करूँगा। तो पहले यहाँ पर GeekBench 4 के ऊपर हम इसे टेस्ट करते हैं और उसकी रिज़ल्ट देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि GeekBench 4 जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे दो तरह से चेक किया जाता है डिवाइस को, एक तो CPU और दूसरा GPU। CPU परफॉर्मेंस यहाँ पे होती है और GPU कंप्यूट में होती है। ठीक है, आप देख भी सकते हो। अगर हम इंफॉर्मेशन देखें CPU की, तो HMD ग्लोबल का मॉडल जो है TA1041, एंड्रॉयड नॉगर 711, क्वालकॉम का अपना प्रोसेसर, CPU स्पीड जो क्लॉक है वह 2.21 के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेमोरी जो रैम की है 3.64, और जिसे हम बोलते हैं 4GB। अगर हम कंप्यूट में जाते हैं, यहाँ पर ये डिवाइस आप देख सकते हो HMD ग्लोबल वही मॉडल, बाकी सारी इन्फो, एड्रीनो का 508 वाला GPU, रेजोल्यूशन डिस्प्ले का 1080x1920, यानी कि 16:9 की ये डिस्प्ले हमें मिलती है, और डिस्प्ले पर पिक्सल जो इंच की इसकी वैल्यू है वो है 423। ठीक है, पहले अभी हम CPU टेस्ट में जाएंगे और रन CPU बेंचमार्क करते हैं। तो मैं इसे रख देता हूं, हम बाद में इसे चेक करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर ये टेस्ट क्लियर हो चुका है आपके सामने है, देख सकते हो 880 जो सिंगल कोर का स्कोर आया है और 4165 मल्टी स्कोर का आया है। अगर आप ऊपर जाओ तो आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और अगर देखें हम यहाँ पर, एक सेकंड, फेस डिटेक्शन यानी कि 770, काफ़ी फास्ट है यहाँ पे इसका फोकस जो हम देख रहे हैं। और मल्टी कोर में अगर देख रहे हैं तो 4175, और सारा कंपाइल करके डिवाइड करके 4165 इसका आया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो G5 वगैरह जैसी डिवाइसेस हैं नेक्सस की, और LG नेक्सस 5, तो उनके कंपैटिबिलिटी इसका स्कोर आया है, तो काफ़ी बढ़िया है। अगर मल्टी स्कोर में देखते हैं तो 4165 है, और OnePlus 3 का जबकि 4015 आता है, उसके बाद S6 Edge का 3948 आया है, तो काफ़ी ये यहाँ पर बढ़िया रिज़ल्ट आए हैं। अगर हम जाते हैं GPU की तरफ तो उसे भी हम टेस्ट करेंगे, बाकी हम बात आगे करते हैं। तो मैं आपको अभी इसको भी फास्ट कर देता हूँ थोड़ा। तो
यहाँ पर जीपीयू का जो स्कोर आ चुका है दोस्तों वो है 3708, आप चेक कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और अगर यहाँ पे देखें रेंडर स्क्रिप्ट कंप्यूट 3708, और बाकी यहाँ पर काफ़ी जो दिए गए हैं डेप्थ ऑफ फील्ड है वो सारी इन्फो यहाँ पे दी गई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कंपेयर करें काफ़ी डिवाइसेस हैं, तो ये अगर कम्पीट करता है मोटरोला नेक्सस 6 के साथ, उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी S7 के साथ, तो ऐसे कुछ आपको रिजल्ट मिलता है। तो चलिए बाकी बात करते हैं आगे और देखते हैं आगे। तो हाँ जी दोस्तों, वीडियो आपने देख ली, आपको पता चल गया कि क्या रिजल्ट आते हैं। अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, जो ये रिजल्ट्स आए हैं किस बेस पे होते हैं, तो एक्चुअल में इनको ऑप्टिमाइज किया जाता है एप्लीकेशन को उस हार्डवेयर के लिए चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, देखने के लिए कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, जो आपका हार्डवेयर लगा हुआ है CPU और GPU। अभी आप देखोगे कि अंतुतु और Geekbench ये दोनों एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई स्केल के ऊपर यूज़ होती हैं। उसके लिए रीज़न क्या है कि वेंडर भी इसे यूज़ करते हैं, ताकि जो डेवलपर या फिर रिव्यूअर इस चीज़ को हमेशा चेक करते रहते हैं, उनको पता चल जाए कि उनका नया मॉडल जो रेंडर निकल के आते हैं क्या है। अगर आप बात करो तो वो अपनी भी एप्लीकेशन के थ्रू इसको ऑप्टिमाइज करते हैं और चेक करते हैं, वो इन एप्लीकेशन के ऊपर बेस नहीं होते। अगर हम बात करते हैं Geekbench क्यों यूज़ किया जाता है, अंतुतु क्यों, अंतुतु आपको केवल CPU GPU की इकट्ठी इन्फॉर्मेशन देता है, और अगर बात करें Geekbench की तो ये यहाँ पे GPU और CPU की अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन करता है और हमें रिजल्ट देता है, जो कि CPU और कंप्यूट के नाम से आप देख सकते हो। आपको पता ही, आपने ऑलरेडी देखा है कि ये जो टेस्ट होते हैं हमेशा पेपर वर्क के लिए होते हैं, कहीं पर कुछ ज़्यादा आ जाता है, कहीं पर कुछ कम आ जाता है, पर थोड़ी अपडेट्स के बाद, थोड़े काम के बाद ये क्लियर होता है कि डिवाइस एक्चुअल में काम कैसे कर रही है और आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। तो यही दोस्तों वीडियो थी, और मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा जहां पर हम बताएंगे कि ये एप्लीकेशंस एक्चुअल में काम कैसे करती हैं और इनका मोटिव क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। उसके बाद अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए वो बेल आइकन, ताकि जब भी हम ऐसी नई डिवाइस की पहली वीडियो डालें तो वो आप देखें सबसे पहले। उसके बाद ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप एक बार अपने बेल आइकन को चेक कर लीजिए, उसको दोबारा दबा दीजिए, नीचे जो ऑप्शन आ रही है उसको दबा कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ओकेशनली पे मत छोड़िए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सोशल मीडिया के ऊपर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख पाएं क्या नया चल रहा है डिवाइसेस में GSMOreon के ऊपर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।